दिए थे। सो टुडे इज द डे टू क्लास। मैं ये वाला सेशन भी रिकॉर्ड करूंगी, दिस रिकॉर्डिंग विल ऑल्सो बी शेयर्ड विद यू। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि यही आईपी एड्रेस हमने क्यों दिया। हमने आईपी दिए, पिंग भी कर रहे थे। कैसे दिया था हम लोगों ने कल आईपी? पीसी पे क्लिक कर रहे थे, डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके हमने ये टाइप कर दिया था आईपी, और ये कुछ एक अपने आप आ गया था। मैंने कहा था इसे एज इट इज रहने देना, राइट? आज हम ये समझेंगे कि ये एज इट इज क्यों रहने देना और ये आईपी क्यों लेना, बिकॉज दिस इज द बैकबोन। आपको नेटवर्किंग समझने के लिए आईपी एड्रेसेस को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी कल मैंने आपको बताया था कि आईपी एड्रेस जो होता है दो तरह के होते हैं, एक होता है आईपी V4 और एक होता है IPv6। सबसे पहले हम आईपी वर्जन 4 पढ़ेंगे, जिसमें हमने देखा था कि आईपी वर्जन 4 कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है। और मैंने बताया था आपको कि ये 32 बिट्स कैसे डिवाइडेड थी, कुछ इस तरह से 6 7 8 फिर एक डॉट करके हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था। 32 बिट्स को 8 8 के चंक्स में हम लोगों ने बांट दिया था, और ये जो चंक्स थे इनको हम लोग बोल रहे थे ऑक्टेट्स। ठीक है, 5 6 7 8 है ना, इनको हम लोग बोल रहे थे। हमने कहा था फर्स्ट ऑक्टेट, इसे हमने कहा था ये सेकंड ऑक्टेट है, इसे हमने बोला था कि ये थर्ड ऑक्टेट, और इसे हमने बोला था कि ये मेरा फोर्थ ऑक्टेट है। ठीक है, अब ये जो ऑक्टेट होते हैं इसमें हर इस डिजिट के ऊपर, मतलब हर एक 8 8 के कॉम्बिनेशन के बाइनरी नंबर के अगेंस्ट में एक डेसिमल नंबर लिखती हूँ आईपी एड्रेस में। ये जो डेसिमल नंबर होता है ना, ये 0 से लेकर 255 के बीच में रेंज कर सकता है, एनीथिंग फ्रॉम 0 to 255। 0 से लेकर 255 के बीच में रेंज करता है, क्योंकि देखो अगर मैं ये पहला वाला ऑक्टेट उठाती हूँ, मेरा पहले ऑक्टेट की वैल्यू क्या है, 1 1 1 0 0 0 1 1। ठीक है, अब इस वैल्यू को ये फिलहाल किस नंबर सिस्टम में लिखी हुई है? लिखी हुई है बाइनरी नंबर सिस्टम में। अगर मुझे इसको हमारे, ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल है ना बाइनरी नंबर सिस्टम, इसे मुझे मेरे अंडरस्टैंडेबल नंबर सिस्टम में, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या डिजिट्स होती है? 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स होती है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके। हमें उस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है, तो उसका तरीका क्या होता है कि आपका ये जो डिजिट्स आपको सामने आपके लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, सबसे टॉप पे जो ये, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बाइनरी डिजिट की वैल्यू होती है 2 रेस टू द पावर 7, उसके बाद वाली 2 रेस टू द पावर 6, 2 रेस टू द पावर 5, 2 रेस टू द पावर 4, 2 रेस टू द पावर 3, 2 रेस टू द पावर 2, 2 रेस टू द पावर 1 एंड 2 रेस टू द पावर 0। रेस टू दी का मतलब अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, तो हिंदी में जैसे बोलते हैं ना घात, 2 की घात 5, तो कितना होता है, 32 होता है, 32 होता है, वो चीज होती है ये रेस टू दी पावर। इसका मतलब क्या कि 2 रेस टू द पावर 2 का मतलब है 2 को 2 बार में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो कितना आएगा, 4। पावर 3 का क्या मतलब होता है, 2 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टू 4, 4 टू 8। ठीक है, इसको बोलते हैं रेस टू द पावर। जिनको नहीं समझ में आया, क्योंकि किसी किसी का हिंदी में लिया हुआ रहता है, मैथ्स तो चैलेंज आ जाता है कभी कभी, डजेंट मैटर्स। तो इस तरह से इनकी वैल्यू होती है। अब इसमें से ना उस डिजिट को हम कंसीडर करते हैं जहां जहां 1 है। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ और यहाँ। इनकी वैल्यूज क्या है, 2 रेस टू द पावर 7 प्लस 2 रेस टू द पावर 6 प्लस 2 रेस टू द पावर 5। इनको मैं इग्नोर कर दूंगी, जहां 0 है ना उसे इग्नोर कर दूंगी, प्लस 2 रेस टू द पावर 1 प्लस 2 रेस टू द पावर 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 रेस टू द पावर 7 कितना होता है, 128, प्लस 2 रेस टू द पावर 6 कितना होता है,
64. 2 raised to the power 5, 32. 2 raised to the power 1, मतलब 2 into nothing, 2 into 1, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 को सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2, और 2 raised to the power 0 का मतलब होता है anything, any number raised to the power 0 हमेशा 1 होता है. मैं 6 raised to the power 0 करूं तो उसका आंसर भी 1 आता है, तो 2 raised to the power 0 मतलब 1. अब मैं इन सबको प्लस करूं तो मेरा एक डिजिट निकल के आएगा. लेट्स डू द कैलकुलेशन, क्या है 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 2 प्लस 1 7. मतलब मेरे इस वाले ऑक्टेट का वैल्यू कितना आया 227. ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक और करके दिखाती हूँ आपको. ये ऊपर जो लिखा हुआ है वो तो सेम रहने देते हैं, हम क्या करते हैं ये वाला पकड़ते हैं, ये सेकेंड ऑक्टेट. क्या वैल्यू है इसकी, 110111111. अब इसमें भी सेम वही करेंगे, जहां जहां वन है उसकी वैल्यू हम कंसिडर करेंगे. कहाँ कहाँ वन है, सभी जगह वन है सिवाय एक जगह के, तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इस वाले बाकी सबको कंसिडर कर लेंगे. तो क्या हो जाएगा, 2 रेस टू द पावर 7 मतलब 128 प्लस इसे भी कंसिडर करेंगे, 2 रेस टू द पावर 6 मतलब 64 प्लस इसे इग्नोर कर देंगे, अब इसे कंसिडर करेंगे, 2 रेस टू द पावर 4 मतलब प्लस इसे भी कंसिडर करेंगे 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना आएगा. लेट्स डू इट, वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 128 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 कितनी निकली 23. तो मेरे सेकंड ऑक्टेट की वैल्यू कितनी निकल गई 223. ऐसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैं सब जगह जीरो रख दूं तो 8 की 8 बिट्स अगर मैं जीरो रख दूं तो मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी मेरी, सारी जीरो मतलब सारी इग्नोर. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो क्या वैल्यू निकलेगी, जीरो. बाइनरी में को डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी तो क्या निकलेगा, जीरो. और अगर मैं 8 की 8 बिट्स की वैल्यू मेरी 1 रख दूं तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, पहला क्या है 128 2 रेस टू द प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1. इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 250. दिस इज द रीजन कि आपकी हर ऑक्टेट की वैल्यू 0 से लेकर 255 के बीच का कोई सा भी नंबर हो सकती है, 255 से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता ऑक्टेट के अंदर. क्यों, क्योंकि अगर मैं सारे भी 1 कर देती हूँ, ये देखो मैंने सारे 1 कर दिए तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आई, 255. देखो मैं करके दिखा देती हूँ आपको, हम लोगों ने ये सब कैंसिल कर दिया जितना ऐड किया हुआ था. देखो 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, सी वैल्यू कितनी निकली 255. तो अगर मेरी ऑक्टेट के सारे बिट्स 1 होंगे तो मेरी वैल्यू कितनी निकलती है 255, और अगर सारे के सारे बिट्स मेरे जीरो होंगे तो मेरी वैल्यू कितनी निकलती है, जीरो. तो इसका मतलब मेरे हर एक ऑक्टेट की वैल्यू मैक्सिमम 255 हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है, जीरो हो सकती है. तो किसके बीच में रेंज कर सकती है, जीरो से लेकर 255 के बीच में रेंज कर सकती है. इसीलिए हम बोलते हैं कि हर ऑक्टेट की वैल्यू 0 से 255 हो सकती है. पहले ऑक्टेट की वैल्यू 0 से लेकर 255 कुछ भी, दूसरे में भी 0 से लेकर 255 का कोई भी एक नंबर,
तीसरे में भी 0 से लेकर 255 का कोई भी एक नंबर, और चौथे में भी 0 से लेकर 255 का कोई सा भी एक नंबर। तो अगर मैं सबसे छोटा आईपी एड्रेस निकालूं तो मेरा सबसे छोटा आईपी एड्रेस क्या होगा? 0.0.0.0। और सबसे बड़ा आईपी एड्रेस अगर निकालूं तो क्या हो जाएगा? 255.255.255.255। ये सबसे बड़ा आईपी एड्रेस हो जाएगा। सो दिस इज माय स्मॉलेस्ट आईपी एड्रेस एंड दिस इज माय बिगेस्ट आईपी एड्रेस जो हमारे पास अवेलेबल है, बस इसी के बीच में रेंज कर सकते हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस पता है कितने हैं? वी हैव गॉट दीज मेनी टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस। ये कैसे निकला ये नंबर? हमारे पास कितनी बिट्स हैं? 32। तो टोटल आईपी एड्रेसेस कितने होंगे? 2 raised to the power 32। कितना निकल के देखो, नंबर 429,49,67,296। इतने आईपी एड्रेसेस IPv4 में हमारे पास अवेलेबल थे। लेकिन थैंक्स टू हमने इतनी पॉपुलेशन बढ़ाई और हम लोगों ने इतने ज्यादा आईपी रिलेटेड डिवाइसेस बढ़ाए हमारे वर्ल्ड में कि आज हमें ये 429 करोड़ आईपीज भी कम पड़ रहे हैं। दिस इज द रीजन IPv6 इज लॉन्च्ड। IPv6 में 32 बिट्स नहीं, 128 बिट्स का आईपी एड्रेस होता है। हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट आपको मैं ओवरव्यू में बता रही हूँ कि IPv6 में 128 बिट्स होती हैं एक आईपी एड्रेस में। IPv4 में 32 होती थी, 4 गुना बड़ा कर दिया हमने। स्टडी अबाउट इट बिकॉज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट शुरुआत में, ठीक है। तो ये होता है आपका आईपी एड्रेस। इसीलिए आप देखना, जब भी आईपी एड्रेस जब भी लिखा हुआ होगा ना, उसका नंबर कुछ 0 से लेकर 255 के बीच के नंबर्स ही होंगे चारों जगह पे, इधर 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 और इधर, ऐसे ही कुछ नंबर होते हैं। हम नंबर कुछ भी दे सकते हैं, हमारी मर्जी है, ओके। इट्स नॉट, देयर इज नो लिमिटेशन कि हम वो क्या नंबर्स दें। लेकिन क्या किया हुआ है, जस्ट इसके लिए इसको मैं मिटा रही हूँ। ये जो पूरे आईपी एड्रेसेस है ना, 0 से लेकर 429 करोड़ आईपी एड्रेसेस जो हैं, इन आईपी एड्रेसेस को 5 क्लासेस में बांट दिया है। 5 क्लासेस, ये सबने पढ़ी होंगी, जिन्होंने बीई करा हुआ है, बीसीए करा हुआ है, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, उन सबने ये चीज पढ़ी होगी कि आईपी एड्रेसेस को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। Can we understand this through IP classes? Yes, we are going to come to IP. इनको ये जो IP addresses है ना, इनको 5 classes में divide किया गया है। वो 5 classes हैं, class A, class B, C, D and E. हर class जो है ना, उसमें क्या किया गया? फर्स्ट ऑक्टेट है। फर्स्ट ऑक्टेट मतलब ये वाला ऑक्टेट, पहला वाला ऑक्टेट। इस पहले ऑक्टेट की वैल्यू फिक्स कर दी कि अगर इस पहले वाले ऑक्टेट में 0 से लेकर 127 के कोई भी आईपी एड्रेस, कोई भी नंबर है पहली ऑक्टेट में, फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर अगर 0 से लेकर 127 के बीच का कोई भी नंबर है, तो वो आईपी एड्रेस क्लास ए का कहलाएगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए, अगर मेरे पास एक एड्रेस है 10.4.3.7 है ना, तो अब इसके हम क्या देखेंगे, क्लास डिसाइड करने तो पहला ऑक्टेट में क्या वैल्यू है, क्या है? 10। 10 मतलब 0 से लेकर 127 के बीच का है, इसलिए वो क्लास ए का आईपी एड्रेस कहलाएगा। सिमिलरली अगर वैल्यू 128 से लेकर, ठीक है, अगर वैल्यू 128 से लेकर 191 के बीच की है, तो वो आईपी एड्रेस क्लास बी का कहलाएगा। अगर मेरे पहले
तो जैसे अगर मैं ये बोलूं, एक आईपी एड्रेस लिख के दिखाऊं 172.16.7.18, इसमें हम किसको देखें, पहले ऑक्टेट को, क्या वैल्यू है 172, किसके बीच में है 128 से लेकर 192 के बीच की है, इसीलिए ये क्या कहलाएगी, क्लास बी का आईपी एड्रेस कहलाएगा। सिमिलरली आगे बढ़े क्लास सी, 192 से लेकर 223 तक का अगर पहला ऑक्टेट का वैल्यू है तो वो क्लास सी का आईपी एड्रेस कहलाता है। तो जो हम लिखते हैं ना 192.168.0.17, हमने कल लिखा था ना इसी तरह का एक आईपी एड्रेस, इसका पहला देखो 192 क्लास सी को बिलोंग कर रहा है ना, तो ये कहलाता है क्लास सी का आईपी एड्रेस। ठीक है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, याद रखना आप लोग ये चीज। सिमिलरली क्लास डी पे अगर मैं आऊं तो 223 पे ये खत्म हो रही थी क्लास सी, क्लास डी चालू होती है 224 से लेकर 239 तक, और क्लास ई 240 से लेकर 255 तक हो जाती है हमारी क्लास डी एंड क्लास ई। अब इसमें से क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, ये तीन क्लासेस होती हैं जो हम हमारे नेटवर्क बनाने के लिए यूज करते हैं ऑफिसेस में, जो यूज होती है ना वो यही तीन क्लासेस होती हैं। क्योंकि मेरी क्लास डी अलग पर्पस के लिए रिजर्व करके रखी गई है, वो है मल्टीकास्टिंग। अभी हम लोग उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि मल्टीकास्टिंग क्या है, बस आप लोग ये पता समझ लो कि क्लास डी जो है वो मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व करी हुई है, और क्लास ई जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के टास्क के लिए रिजर्व करी हुई है। हम लोग जब नेटवर्क बनाते हैं ना तो हम ये सिर्फ तीन क्लासेस जो ऊपर की हैं इनको यूज करते हैं, क्लास ए बी एंड सी। आप लोगों ने सुना होगा ना, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, ये तीनों जो तरह के नेटवर्क्स हैं इनको बनाने के लिए आपकी क्लास ए बी और सी जो है वो यूज होती है। ठीक है, ये चीज आप लोग कहीं लिख लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कि क्लास ए बी और सी की क्या रेंज होती है। मैं खैर आप लोगों को यहाँ पे लिखवा देती हूँ, ये जो अपना डायग्राम है इसके ऊपर हम लोग लिख लेते हैं। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं साथ साथ में तो आप लोग भी कर सकते हैं कि हम लोग क्लास ए जो है वो हमारी 0. पहला ऑक्टेट 0 है ना, तो 0.0.0.0 यहां से मेरे आईपी एड्रेस शुरू होंगे और वो खत्म कहाँ पे होंगे जाके मेरे आईपी एड्रेसेस 127.255.255.255। ये मेरे क्लास ए के आईपी एड्रेसेस की रेंज है। इस रेंज के बीच में जितने भी आईपी एड्रेस पड़ेंगे वो सब मेरे क्लास ए के होंगे। सिमिलरली अगर मैं क्लास बी की बात करूं तो क्लास बी का मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि 127 पे ऊपर खत्म हो रहा है, तो ये 128 पे शुरू होगा, 128.0.0.0 से लेकर कहां तक 191.255.255.255 तक। इस रेंज के बीच के जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं वो सब क्लास बी के कहलाएंगे। और क्लास सी की रेंज हमारी क्या है, क्लास सी की हमारी रेंज है ये ऊपर वाला 191 पे खत्म वो हुआ ना, खत्म हुआ तो ये 192 से शुरू होगा, तो 192.0.0.0 से लेकर 223.255.255.255 ये मेरी क्लास सी की रेंज है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे की क्लासेस के लिए, इसको याद करना, बिल्कुल जबान पे होनी चाहिए ये हमारे, कि हमारी रेंज क्या है। दिस इज माई रेंजेस, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। ठीक है, अब इन रेंज को अगर मैं ध्यान में रखूं तो कल जो
वो हमारी क्लास सी की रेंज थी, क्योंकि देखो हमने जो आईपी एड्रेस यूज किया है वो 192.168.0 डॉट समथिंग का आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको क्या कहा था कि आप आगे की तीन ऑक्टेट सेम रखो। इधर हमने क्या किया था, 192.168.10 इस वाले पीसी को क्या आईपी दिया था, 192.168.0.11, इस वाले को 192.168.0.12, इस वाले को हमने आईपी दिया था 192.168.0.13, और इसे हमने क्या आईपी दिया था 14, इसे 15 और इसे 16। तो आप नोटिस करो कि मैंने ना आगे के तीन ऑक्टेट्स बिल्कुल सेम रखे, फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट और थर्ड ऑक्टेट बिल्कुल सेम रखे, और तो ये एक दूसरे को पिंग कर पा रहे थे सब। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, सिचुएशन कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि किसी भी एक पीसी का, जैसे मान लो मैं 10 पे जाती हूँ और 12 को पिंग करके देखती हूँ, एक बार फिर से पिंग करके देखते हैं। चलो डेस्कटॉप कमांड प्रॉम्प्ट पिंग 192.168.0.12, सी आई एम एबल टू पिंग, हम लोग इसे पिंग कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस वाले पीसी का आईपी चेंज कर दूं, देखो मैं चेंज कर रही हूँ डेस्कटॉप आईपी, मैं ये आगे के तीन जो सेम थे ना इनको अलग कर देती हूँ, मैं इसकी जगह 0 की जगह यहाँ 10 लगा देती हूँ, मैंने 10 लगा दिया। अब जब मैंने 10 लगाया और मैं इस पीसी पे गई, अब मैं वापस पिंग करके देख रही हूँ, पिंग 192.168.10.12, पहले 0 डॉट था ना, अब 10.12 कर दिया मैंने। अब देखो मैं इस आईपी को पिंग नहीं कर पा रही, इस वाले पीसी को, पहले हम पिंग कर पा रहे, अब हम उसे पिंग नहीं कर पा रहे हैं। कनेक्टेड तो अभी भी वो वैसा ही है, बस मैंने क्या चेंज करा, मैंने इसके ऊपर जो आईपी है उसमें आगे की जो तीन ऑक्टेट थी, पहले ये सब सेम थी, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने 10 कर दिया, तो इसकी आगे की तीन ऑक्टेट्स, अब इसकी आगे की तीन ऑक्टेट्स के साथ मैच नहीं कर रही है, तो ये पिंग करना बंद कर गया। तो मतलब इसके पीछे कुछ है ना, देखो अब मैं सेम करूंगी ना ये वापस पिंग करने लग जाएगा। लेट मी गो बैक एंड रिवर्ट इट, मैं इसको वापस 0 कर देती हूँ, बंद करते हैं, वापस सिर्फ इस वाले पीसी पे आते हैं, और अब मैं 0 को पिंग करके देखती हूँ तो पिंग होना चालू हो गया। तो मतलब ये आगे की तीन ऑक्टेट्स का सेम होना बहुत जरूरी होता है। आगे की तीन ऑक्टेट्स का सेम होना क्यों जरूरी होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, कि अभी देखो कनेक्ट करते से पिंग हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि जब भी ये पिंग चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं आगे की तीन ऑक्टेट्स में कुछ चेंज कर देती हूँ ना, तो ये मेरा पिंग होना बंद हो जाता है। वो क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि लेट मी ओपन द नोट पैड, क्लास सी के ऊपर ही हम बात करते हैं, ये हमारी क्लास सी है ना, हमने क्या दिया, क्लास सी का 192.0.0.0 से लेकर 223.255.255.255, ये रेंज है हमारी क्लास सी की, है ना। अब इसमें क्या होता है ना, एक चीज होती है ऑक्टेट अरेंजमेंट। ये ऑक्टेट अरेंजमेंट हमें क्या हेल्प करती है पता है, ये ऑक्टेट अरेंजमेंट हमें हेल्प करती है कि दो मेरे आईपी हैं, पहला मेरा आईपी है 192.168.0.13, एक और आईपी है 192.168.10.23। रूल क्या कहता है नेटवर्किंग का, कि अगर ये पीसी और ये पीसी का नेटवर्क सेम होगा तो ये दोनों एक दूसरे को पिंग कर पाएंगे। आगे की सिचुएशन में इनका नेटवर्क सेम है, मैंने वापस रिवर्ट कर दिया ना, अभी की सिचुएशन ये एक दूसरे को पिंग कर पा रहे हैं, माई पीसी दिस इज एबल टू पिंग टू पीसी दिस, लेकिन जब मैं यहाँ देती हूँ तो मेरा ये वाला पीसी इस वाले पीसी को पिंग करना बंद कर देता है। मतलब कि इस पीसी का नेटवर्क और इस पीसी का नेटवर्क अलग-अलग हो जाता है, कनेक्टिविटी तो बिल्कुल सेम है, एक ही स्विच के ऊपर वो कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी पिंग बंद हो जाता है।
क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि ये जो ऑक्टेट अरेंजमेंट है ना, ये कहती है नेटवर्क 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 होस्ट। ये कहती है कि इसकी ये जो आईपी लिखा हुआ है, ये कौन सी क्लास का आईपी है? क्लास सी का आईपी है। कैसे पता किया? पहली ऑक्टेट को देख के पता किया। पहली ऑक्टेट क्या है मेरी? 192। तो 192 से लेकर 223 के बीच के सारे वैल्यूज कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं? क्लास सी को। और क्लास सी का ऑक्टेट अरेंजमेंट क्या है? नेटवर्क 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 होस्ट। इसका मतलब इसका ये वाला ऑक्टेट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, ये भी नेटवर्क, ये भी नेटवर्क। ये आखिरी का ऑक्टेट किसे रिप्रेजेंट करता है? होस्ट, मतलब पीसी प्रिंटर लैपटॉप डेस्कटॉप के आईपी होते हैं ये वाले। बाकी ये आगे के तीन नेटवर्क के आईपी होते हैं। तो रूल क्या कहता है? यू कैन पिंग टू द पीसीज ऑफ सेम नेटवर्क। अब मैं कैसे पता करूंगी कि मेरे दो गिवन आईपी सेम नेटवर्क के हैं कि जो दो मेरे आईपीस थे, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो स्टेप वन क्या रहेगी आइडेंटिफाई करने की? चेक द क्लास। कौन सी क्लास है? 192 है, इसलिए हमारा आंसर क्या निकला? क्लास सी। स्टेप क्या रहेगी? ऑक्टेट अरेंजमेंट। सी की ऑक्टेट अरेंजमेंट क्या है? हमने यहाँ पे देख ली नेटवर्क 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 होस्ट। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो गिवन आईपीज हैं, इन दोनों गिवन आईपीज के पहले पहले तीन ऑक्टेट्स को चेक करेंगे, नेटवर्क को सारों को चेक करेंगे। तीन नेटवर्क हैं, मैं तीनों को चेक करूंगी। पहला नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क सेम कंडीशन पास, दूसरा नेटवर्क सेम कंडीशन पास, तीसरा तीसरा मिसमैच, मतलब दीज टू आईपीज डू नॉट बिलोंग टू द सेम नेटवर्क। इसीलिए हम पिंग नहीं कर पा रहे थे। हम क्या कर रहे थे, 0.10 से जब हम लोग 12 को पिंग करने की कोशिश कर रहे थे तो हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कंप्यूटर ने क्या देखा, ओके क्लास सी का है तो आगे के तीन ऑक्टेट सेम होने चाहिए तो सेम नेटवर्क होगा, पर ये आगे के तीन ऑक्टेट्स तो अलग हो जा रहे थे। इसीलिए जब ऐसा होता था आईपी ऐसा, तो पिंग बंद हो जाता है। और जैसे मैं पीसी का आईपी ऐसा करती हूँ तो क्या हो जाता है, देखो ये तीनों सेम हो जाते हैं, नेटवर्क का पूरा पोर्शन सेम हो जाता है दोनों आईपीस का, तो ये एक दूसरे को पिंग करने लग जाते हैं। तो रूल के हिसाब से आपका ऑक्टेट अरेंजमेंट के थ्रू आपको चेक करना पड़ता है कि वेदर द टू आईपीस बिलोंग्स टू द सेम नेटवर्क और नॉट। अगर वो सेम नेटवर्क को बिलोंग करते होंगे तो वो एक दूसरे को पिंग कर पाएंगे, अगर वो नहीं बिलोंग करते होंगे तो वो सेम नेटवर्क को पिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा किसका था ऑक्टेट अरेंजमेंट? क्लास सी का। ऐसे ही सेम हमारे पास ऑक्टेट अरेंजमेंट ना क्लास बी के लिए भी है। ठीक है, अब हमारी क्लास बी की रेंज क्या थी? रिवीजन पे जाते हैं अपन लोग। क्लास बी की रेंज क्या थी, किसे याद है? 128.0.0.0 से लेकर 191.255.255.255। दिस वॉज माई रेंज ऑफ क्लास बी। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन शुभम। शुभम आई विल एक्सप्लेन क्लासलेस। पहले हम क्लासेस समझ लिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले क्लासेस तो पता चले, तब तो क्लासफुल और क्लासलेस समझेंगे ना। तो दिस इज माई क्लास। अब क्लास बी का रेंज ये है, इसका ऑक्टेट अरेंजमेंट क्या है? इसका ऑक्टेट अरेंजमेंट आपका कहता है नेटवर्क नेटवर्क होस्ट होस्ट। इसका मतलब जब आप एक क्लास बी के आईपी को कंपेयर करेंगे तो आपकी पहली दो ऑक्टेट सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो मेरा आईपी लेती हूं मैं 172.16.7.19, ये आईपी है। दूसरा आईपी है मेरा 172.18.4.15। ये दोनों देखो, पहली, अब सबसे पहले स्टेप वन क्या कहती है? चेक द क्लास।
हमारी इस केस में क्या होगी, स्टेप वन में हमें क्या पता चलेगा कि इसकी क्लास क्या है, क्लास बी निकलेगी ना इसकी, पहला ऑक्टेट अगर मैं देखूंगी, हम अगर पहला ऑक्टेट तो पहला ऑक्टेट का वैल्यू क्या है 172, 172 की वैल्यू 128 से लेकर 191 के बीच में रेंज कर रही है, मतलब ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, क्लास बी को। सेकेंड स्टेप क्या है हमारी, ऑक्टेट अरेंजमेंट चेक करो। ऑक्टेट अरेंजमेंट क्या है, मेरी ऑक्टेट अरेंजमेंट कहती है नेटवर्क नेटवर्क होस्ट होस्ट। अब इस दो आईपी का देखो, पहला नेटवर्क, दूसरे का भी नेटवर्क चेक किया, दोनों सेम है, कंडीशन पास। मुझे दो चेक करने पड़ेंगे ना, इसमें दो नेटवर्क की ऑक्टेट्स थी। दूसरा मैंने चेक किया तो यहाँ 16 है, यहाँ 18 है, मतलब क्या हुआ कि दीज टू आईपीज आर ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, दीज टू आईपीज आर ऑफ डिफरेंट नेटवर्क। अंडरस्टूड? कोई दोनों को सेम नेटवर्क का बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे की दो ऑक्टेट्स को एग्जैक्टली सेम कर दो। अब सेम हो गई तो अब ये दोनों आईपीज जो हैं ये मेरे सेम नेटवर्क को बिलोंग करते हैं। तो हमारी क्लास बी की ऑक्टेट अरेंजमेंट क्या है, नेटवर्क नेटवर्क होस्ट होस्ट। क्लास सी की भी हमने देख ली, क्लास बी की भी हमने देख ली, जो हमारे लैन मैन वैन में यूज होती है वो ए की बची है, कौन सी, क्लास ए। लेट्स गो टू क्लास ए। क्लास ए का भी हम लोग देख लेते हैं कि क्लास ए में हमारी रेंज क्या थी, इसे ही कॉपी कर लेते हैं अपन, इसी के ऊपर वो कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। हमारी क्लास ए की रेंज क्या थी, 0.0.0.0 से लेकर 127.255.255.255। और ऑक्टेट अरेंजमेंट हमारी क्लास ए की क्या है, इसमें नेटवर्क की एक और वो कम हो गई, नेटवर्क होस्ट होस्ट होस्ट, ये हो गया। सो दिस इज योर ऑक्टेट अरेंजमेंट ऑफ क्लास ए। तो अगर आपके पास कोई क्लास ए का आईपी होगा तो आप कितनी ऑक्टेट्स कंपेयर करोगे, आप सिर्फ एक ऑक्टेट कंपेयर करोगे टू चेक वेदर द टू गिवन आईपीज आर ऑफ द सेम नेटवर्क और नॉट। अगर क्लास बी का आईपी है तो आप दो चेक करोगे, और क्लास सी का आईपी है तो आप आगे की तीन ऑक्टेट्स को चेक करते हो टू आइडेंटिफाई कि आपके जो गिवन आईपीज हैं वो सही सेम नेटवर्क को बिलोंग करते हैं कि नहीं। हमने अभी क्या यूज करा है हमारी टोपोलॉजी में, क्लास सी। तो अगर मैं यहाँ 10 कर देती हूँ तो देखो पिंक बंद हो जाता है, और वापस से आगे की तीन ऑक्टेट्स में सेम कर देती हूँ तो मेरा पिंक चालू हो जाता है, राइट? यही चीज हम नोटिस कर रहे थे ना, किसी को भी, इनफैक्ट मैं इस 14 वाले को पिंक करके देखती हूँ, देखो यहाँ से पिंक करते हैं, अप एरो करते हैं ना, यहाँ पे अप एरो से हमें पुरानी कमांड मिल जाती है, अप एरो डाउन एरो से। तो मैं पिंक करती हूँ 14 को, सी आई एम एबल टू पिंक, कौन है 14, 14 इज माई This PC. क्यों? क्योंकि देखो मैं कहां पिंक कर रही हूं, 192.168.0.10 से पिंक कर रही हूं, तो मतलब मेरी आगे की तीन ऑक्टेट्स की वैल्यू जहां मैं, अब क्या होगा ये, जब हम ऐसी कमांड लिखते हैं, पिंक कमांड हम जब लिखते हैं तो पिंक कमांड लिखते ही होता क्या है, असल में एक पैकेट तैयार होता है, जैसे मैंने ये लिखा पिंक 192.168.0.14, कहां से मैंने पिंग इशू करा है तो वो कहलाता है मेरा सोर्स एड्रेस। कहां से पिंग इशू करा, 192.168.0.10 से मैंने पिंग इशू करा। कहां जाने के लिए पिंग इशू करा उसको कहते हैं डेस्टिनेशन एड्रेस, 192.168.0.14 पे जाने के लिए मैंने पिंग इशू करा। तो पिंग करने के पहले पीसी क्या चेक करता है कि ये जो मेरा सोर्स है जहां से मैं पिंग कर रहा हूं और जहां मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं वो दोनों सेम नेटवर्क को बिलोंग करते हैं कि नहीं। अभी की सिचुएशन में आंसर निकलता है हाँ तो वो पिंग कर देता है। अगर मैं यहाँ 10 कर दूंगी तो आंसर क्या निकलेगा, ना, क्योंकि ये क्लास सी है, क्लास सी में आगे के तीनों ऑक्टेट सेम होने चाहिए, ठीक है, आगे के तीनों ऑक्टेट सेम होने चाहिए तभी ये पिंग कर पाएगा, अदरवाइज ये पिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, आपका क्लासेस का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब आप पिंग करते हो तो आपको सेम नेटवर्क का होना
जरूरी होता है। ठीक है, संदीप पाटीदार asking me how ping command work, could you please elaborate in detail? Of course I can elaborate, but the audience that we have over here are won't be able to go into the technicalities of ki ek packet banta hai jisme source mac address hota hai, destination mac address hota hai, mac address table hota hai, jis mac address table ko अचीव करने के लिए पहले हमें आर्प ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है, तो हमारा डेस्टिनेशन वाला पीसी आर्प के रिप्लाई में हमें अपना मैक एड्रेस देता है, फिर मैं पैकेट एक फ्रेम बनाती हूँ, उस फ्रेम में सोर्स मैक एड्रेस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस डाल के डालते हैं। मैं पूरा एक्सप्लेन कर सकती हूँ मिस्टर पाटीदार, लेकिन दिक्कत क्या है, अभी जो हमारी ऑडियंस है ना, हमें उन ऑडियंस को ध्यान में रख के मैं आपको अभी पैकेट डिटेल्स नहीं बता रही हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ क्लासेस समझा रही हूँ। जब भी हम पूरा सीसीएनए का कोर्स करेंगे, जिस दिन हम स्विचिंग स्टार्ट करेंगे, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर हमारा सीसीएनए का, हाउ डज अ पिंग कमांड वर्क्स, कि कैसे हमारा पिंग जो होता है वो आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज करता है, और आईसीएमपी में उसमें टाइप कोड 0 यूज करते हुए वो एक बार इको के लिए पहले भेजता है, फिर उसका रिप्लाई आता है, उससे पहले वो आर्प का ब्रॉडकास्ट करके स्विच के ऊपर मैक एड्रेस टेबल पॉपुलेट करता है। दिस ऑल वी एक्सप्लेन, बट अभी क्या, इट विल बी टू टेक्निकल फॉर द पीपल हु आर द बिगनर्स, एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि ये बिगनर्स का कोर्स होता है सीसीएनए, तो हमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है, तो हम धीरे धीरे उन चीजों पे जाएंगे, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गो ऑन दैट, बिकॉज देन पीपल विल गेट कंफ्यूज संदीप। ठीक है, सो हमारा ये जो तीन क्लासेस थी उसको ध्यान में रख के मैंने देखो पिंग कर लिया। ओके अच्छा, अगर मैं ये दो पीसी को क्लास ए का आईपी दे दूं और ये दो पीसी को क्लास बी का आईपी, प्रिंटर अभी के लिए डिलीट कर देते हैं क्योंकि प्रिंटर का मुझे कोई काम नहीं है, इसे मैं डिलीट कर देती हूँ। हम क्या कर रहे हैं, ये दो पीसी को मैं क्लास ए का आईपी दे दूंगी, ये दो पीसी को मैं क्लास बी का आईपी दे देती हूँ, और इनको मैं क्लास सी का आईपी दे देती हूँ। लेट अस सी, ऐसा ट्राई करते हैं अपन, तो उससे क्या होता है, लेट अस सी दैट व्हाट हैपेंस। जब मैं इसको क्लास ए का आईपी देती हूँ, क्लास ए मतलब क्या होती है, एनीथिंग 0 से लेकर 127 होना चाहिए पहले ऑक्टेट की वैल्यू। आप नीचे नोटिस करना, ये वाली जो सबनेट मास्क की वैल्यू है ना, ये देखना अपने आप कुछ अलग अलग आएगी हर बार। मैं यहाँ क्लास ए दे रही हूँ इसको 10.0.0.1 टैब, देखो इसका सबनेट मास्क क्या आया, खाली एक बार 255, बाकी सब बार अपने आप आया, मैंने कुछ नहीं करा, टैब दबाया, हमने यहाँ पे आईपी क्या दे दिया 10.0.0.1, याद, इसका मैं आईपी दे देती हूँ 10.0.0.2, कैसे देंगे, क्लिक डेस्कटॉप आईपी चेंज करती हूँ, देखो ये वाला इसको डिलीट कर देती हूँ जो पहले आया हुआ था, अब मैं नया आईपी देती हूँ तो नया सबनेट मास्क आएगा अपने आप 10.0.0.2। देखो क्लास ए का लेती हूँ ना, तो मेरा सबनेट मास्क क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इसको कॉपी कर लेते हैं अपन, दिस इज ऑल्सो समथिंग, हमारा डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या आ रहा है, हमारा डिफॉल्ट सबनेट मास्क जब हम क्लास ए लेते हैं तो देखो ये आ रहा है, हम क्लास बी लेके देखते क्या आता है, उसको हम यहाँ लिख लेंगे। लेट्स गो बैक टू द लैब, डिसाइड किया इन दोनों को क्लास बी दूंगी, क्या दे देते हैं क्लास बी में, लेट मी गिव क्लास बी 172.16.0.10, इस वाले को मैं दे दूंगी 172.16.0.11। चलो देखे डिफॉल्ट आया था, हाँ मैं बता रही हूँ, वापस से बता रही हूँ, ये देखो मैंने क्या किया, एक सेकेंड संदीप, संदीप मिन्हास क्या एक्सप्लेन करूं बेटा, वापस मैं, आप अनम्यूट करके मुझे बताएं, था मैं बता रही हूँ, उसको बता रही हूँ, वही चल रहा है अपना, है ना। अब मैं देखो यहाँ पे क्लास बी का सबनेट जा रही हूँ, मैंने ये वाला पीसी और ये वाले पीसी को सबनेट मास्क, मैंने क्लास बी का आईपी देने का डिसाइड किया, मैं आईपी देती हूँ देखो 172.16.0.10, क्लास बी का आईपी देते ही मैं टैब दबाती हूँ तो देखो सबनेट मास्क क्या आ गया
255255050. मैं क्लास बी का आईपी देती हूँ तो देखो अपने आप जो सबनेट मास्क आया वो अलग आया, क्लास ए का दिया था तो अलग आया था। मैंने इस वाले को कॉपी कर लिया, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। क्लास बी में हमारा डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या आ रहा है, ये आ रहा है कंट्रोल सी, है ना, ये आ रहा है अपने आप से 255.255.0.0। इस वाले पीसी को भी देख के कंफर्म करते हैं कि यही आता है। देखो इसे मैं जो पहले आया था अब वापस से लिखते हैं 172.16.0.11। टैब दबाते ही देखो क्या आया 255.255.0.0। तो मतलब जब मैं क्लास बी लेती हूँ तो सबनेट मास्क जो अपने आप आता है वो आता है 255.255.0.0। क्लास ए लेने पे आता है 255.0.0.0। अब क्लास सी लेके देखते हैं, देखो इसको क्लास सी देते हैं। अभी ये आईपी लिया था ना, अब दूसरा कुछ ले लेते हैं 192.168.1.10 लेती हूँ। इसको 1.10, इसको 1.11, इसको 1.12। देखते हैं अब क्या सबनेट मास्क मिलता है। वापस जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, इसे मैं मिटा देती हूँ वापस से 192.168.1.10। टैब देखो सबनेट मास्क क्या आया 255.255.255.0 आया। तो देखो क्लास ए का सबनेट मास्क में जहां नेटवर्क था वहां 255 है और होस्ट वाला पूरा जीरो है। क्लास बी में भी देखो वही हुआ, जहां जहां नेटवर्क था वहां 255 है बाकी पूरा जीरो है। और क्लास सी में भी वही हुआ, जहां जहां नेटवर्क है वहां वहां 255 है और बाकी सारा जीरो है। तो ये जो है ना सबनेट मास्क का इसके साथ रिलेशन रहता है। ये सबनेट कंप्यूटर को बताता है कि जब वो कंपेयर करेगा तो कितनी बिट्स कंपेयर करेगा। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि पहली ऑक्टेट कंपेयर करो टू चेक, यहाँ पे बोल रहा है दो ऑक्टेट कंपेयर करो टू चेक, यहाँ पे क्या बोल रहा है तीन ऑक्टेट कंपेयर करो टू चेक वेदर द आईपी बिलोंग्स टू द सेम नेटवर्क और नॉट। So, ये होता है आपका डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ ऑल द थ्री क्लासेस। ठीक है, ये है आपका डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर ऑल द थ्री क्लासेस। मैं आप लोगों को ये इधर पे रख के दे देती हूँ सो दैट यू रेफर बैक, कभी भी फ्यूचर में जब आप लोग ये टोपोलॉजी ओपन करोगे तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, यू विल बी एबल टू See everything on the same page। ये देखो ठीक है, हमने यहाँ पे इस वाले को क्या आईपी दिया था 192.168, अभी दिया नहीं है दे देते हैं .11। तो देखना इसका भी सबनेट मास्क अपने आप 255.255.255.0 आएगा। डेस्कटॉप आईपी जो दिया हुआ है उसको सब मिटा देती हूँ 192.168.1.11। यही वाला सबनेट मास्क आता है 255.255.255.0। सो दिस इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ द क्लास सी। और सबनेट मास्क ही कंप्यूटर को बताता है कि उसे कितनी ऑक्टेट्स को कंपेयर करना है टू चेक वेदर द टू गिवन आईपीज बिलोंग्स टू द सेम नेटवर्क और नॉट। अभी की सिचुएशन में अगर हम देखें तो देखो इस पीसी का जो आईपी असाइन किया हुआ है वो क्या है 192.168.0.16, है ना। देखो मैंने कर्सर थोड़ी देर रखा था तो पॉपअप होता है, देखो इसमें दिख रहा है फास्ट इथरनेट जीरो अप, आईपी क्या है 192.168.0.16। तो ये देखो अब उस हिसाब से इसका भी क्या है क्लास सी के हिसाब से पहली तीन ऑक्टेट कंपेयर होंगी, तो ये इसकी तीन ऑक्टेट और इसकी तीन ऑक्टेट अलग हैं। तो ये देखना ये दोनों आपस में एक दूसरे को पिंग नहीं कर पाएंगे, जबकि ये 11 वाला ना 10। देखो करके दिखाती हूँ, सर्वर पे जाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, मैं पिंग करती हूँ 192.168.1.10। 11 वाले पे हो ना, मैं 10 को पिंग किया, चल रहा है पिंग। लेकिन अगर मैं यही पिंग 0.16 को करूं
ये वाला पीसी मेरा 0.16 है ना, ये वाला, ये 0.16 को पिंग करूंगी ना तो ये पिंग नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सबनेट मास्क क्या है, 255.255.255.0। उस हिसाब से हमको तीन ऑक्टेट्स कंपेयर करनी पड़ेंगी, और जब मैंने तीन ऑक्टेट कंपेयर करी तो पीसी ने देखा मेरी तो पहली तीन 192.168.1 है, जहां मैं जाने का बोल रहा हूँ वो 192.168.0 है, तो मतलब हम दोनों डिफरेंट नेटवर्क्स को बिलोंग करते हैं, तो मैं पिंग नहीं करूंगा, ऐसा डिसाइड कर लेता है। तो ये पिंग नहीं करता, ये वाला इसके केस में कर दिया, इसको नहीं पिंग करेगा, इसे भी नहीं पिंग करेगा, इसे भी नहीं पिंग करेगा, क्योंकि ये भी अलग ही नेटवर्क को बिलोंग करेंगे ना। बट ऑब्वियस है, देखो करके दिखाती हूँ। अगर मैं पिंग करने की कोशिश करूंगी ना, पिंग 172.16.0.10 को, उसे भी नहीं पिंग करेगा क्योंकि वो भी अलग नेटवर्क है, चार पैकेट्स भेजता है बाय डिफॉल्ट पिंग, चाहे तो ज्यादा पैकेट्स भी भिजवा सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट वो इसमें चार भेजता है, रियल वर्ल्ड में पांच भेजता है। देखो नहीं कर पाएगा, बीच में पिंग रोकना है, इससे भी नहीं पिंग कर पाएंगे, पिंग 10.0.0.1 को भी नहीं हम पिंग कर पाएंगे। एक सेकेंड गाइस, जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉल है, आई हैव टू टेक। हेलो, सॉरी गाइस, एक्चुअली थोड़ा इम्पोर्टेंट था, आर्मी के एचओ से फोन आया, वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, तो उसके लिए थोड़ा बात कर रहे थे। ठीक है, सो वी वर एट द क्लासेस, हमारी तीन क्लासेस होती हैं, और क्लासेस का सेम होना पिंग होने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, थोड़ी देर पहले आई थिंक किसी स्टूडेंट ने मुझे चैट पे लिखा था कि मैम प्लीज एक्सप्लेन क्लास फुल एंड क्लास लेस के बीच का डिफरेंस, शुभम ने लिखा था। तो ये जो होता है ना, ये क्लासेस जो होती हैं, ये क्लासेस आपकी डिफाइन करती है कि कौन दो आईपीज एक दूसरे को रीच कर पाएंगे। अब क्लास फुल राउटिंग और क्लास लेस राउटिंग शुभम समझने के लिए पहले हमें थोड़ा राउटिंग समझना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं आपको क्लास फुल और क्लास लेस समझाने की कोशिश भी करूंगी तो इट वॉन्ट बी द राइट टाइम ना, बिकॉज वो थोड़ा, जब आपको थोड़ी राउटिंग आती हो तब आप क्लास फुल राउटिंग और क्लास लेस राउटिंग को समझ पाएंगे। अभी आप आज क्लासेस समझिए, ठीक है? सो दिस इज द वे द क्लासेस वर्क, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, ये हमारी तीन क्लासेस हैं जो हमारी किसमें यूज होती हैं, दे आर यूज्ड इन लैन, मैन एंड वैन। ठीक है, क्लास ए है तो उसमें भी ऐसा नहीं कि क्लास ए के कोई भी आईपी होंगे तो चलेगा, पहला ऑक्टेट सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बात सबनेट मास्क से कंप्यूटर को पता चल जाती है, ये क्लास ए का पीसी है। इस क्लास ए में अगर मैं यहाँ 10 की जगह आईपी में 11 कर दूं तो ये दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब कंपेयर होगा पहला ऑक्टेट तो अलग निकल जाएगा, तो ये पीसी इस पीसी से बात नहीं कर पाएगा अगर आपके इसको हम 11 कर दें तो। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों सेम पिंग करते रहें तो इनका अकॉर्डिंग टू द क्लास, क्लास ए है तो पहला ऑक्टेट सेम होना चाहिए, क्लास बी है तो पहले के दो सेम होने चाहिए, क्लास सी है तो पहले के तीन सेम होने चाहिए पिंग होने के लिए। अभी आप ये देखो, ये इसे पिंग कर पाएगा लेकिन बाकी किसी को नहीं पिंग कर पाएगा। मैंने यहां से करके दिखाया ना, ये इसको पिंग कर पा रहा है, बाकी किसी को पिंग नहीं कर पा रहा। तो ऐसे ये वाला पीसी इस वाले पीसी को, सॉरी, इस वाले पीसी को पिंग कर पाएगा, बाकी किसी को नहीं पिंग कर पाएगा। ये वाला पीसी इस वाले पीसी को पिंग कर पाएगा, बाकी किसी को नहीं पिंग कर पाएगा, क्योंकि इन दोनों का नेटवर्क सेम है, इसका भी 172.16, इसका भी 172.16, इसलिए। और ये पीसी इस वाले पीसी को पिंग कर पाएगा क्योंकि इन दोनों का नेटवर्क सेम है। ये क्लास सी के होने की वजह से मैं तीन कंपेयर करूंगी तो 192.168.1, 192.168.1 पिंग कर पाएंगे, लेकिन ये इसे नहीं पिंग कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका नेटवर्क अलग है। क्यों? क्योंकि 192.168.0 हो गया, मुझे तीन कंपेयर करने थे क्लास सी के हिसाब से, तो ये अलग नेटवर्क हो गया, इसलिए इसे नहीं पिंग कर पाएगा, इन स्पाइट कि ये सब सेम नेटवर्क पे कनेक्टेड है। ये लोग सब सेम स्विच के ऊपर कनेक्टेड है ना, इधर भी
इधर भी सब सेम स्विच पे कनेक्टेड है तो भी नहीं पिंग कर पा रहे। मान लो इस वाले पीसी को इनकी नेटवर्क रेंज का आईपी दे दूं, ये 10.0.0.1 है, ये 10.0.0.2 है, इसको मैं 10.0.0.3 दे देती हूँ, 10.0.0.3। पहले लिखा हुआ है ना सबनेट मास्क, तो वो चेंज नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको चेंज करना पड़ेगा 255.0.0.0, क्योंकि आपको पता है ना आपकी क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, इसलिए अब आपको हाथ से चेंज करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हाथ से चेंज ना करना पड़े तो ऊपर आईपी डालने के पहले ये सबनेट मास्क डिलीट कर देना। क्या लिखा हुआ था पहले? 255.0। तो आप क्या करो, पहले इसे डिलीट करो, फिर यहाँ पे आईपी डालो 10.0.0.3 और टैब दबाओगे तो ये आईपी अपने आप आ जाएगा सबनेट मास्क। तो आप देखो इस हिसाब से इस वाले पीसी का आईपी इज सिमिलर टू इस वाले का नेटवर्क है ना। तो आप देखना यहां से इसकी पिंगिंग चालू हो जाएगी, 10.0.0.1 से मैं पिंग कर रही हूँ, पिंग 10.0.0.3 को, वी आर एबल टू पिंग। सेम नेटवर्क के होने चाहिए तभी एक दूसरे को पिंग कर पाएंगे, नहीं तो ये पिंग नहीं चलेगा। ओके, सो संदीप इज आस्किंग मी कि लेट मी द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। सो क्लासेस डज नॉट मैटर, सबनेट मास्क शुड बी सेम टू पिंग। सबनेट मास्क का सेम होना जरूरी नहीं होता है मिनास। सबनेट मास्क तो देखो इसका सेम था और इसका भी वही था पहले 192.168.0. जब ये था तब इसका सबनेट मास्क भी 255.255.255.0 ही था, लेकिन पिंग नहीं कर पा रहे थे। सबनेट मास्क के हिसाब से उनके आईपी होने चाहिए। देखो मैं फिर से आपको एक पीसी रख के दिखाती हूँ, ये मेरा लैपटॉप है, एक और रख लेते हैं अपन, इसको मैं कनेक्ट करती हूँ, क्लिक किसी भी पोर्ट से कनेक्ट कर देती हूँ। अब देखो इसका सबनेट मास्क इनके जैसा ही होगा लेकिन नेटवर्क अलग हो जाएगा। देखो डेस्कटॉप आईपी 192.168.50.10, सबनेट मास्क तो देखो इसका भी 255.255.255.0 ही आया ना अपने आप, जो आया जो इसका आया वही इसका सबनेट मास्क आया, लेकिन ये इसको पिंग नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सबनेट मास्क क्या बोलता है कि आगे की तीन ऑक्टेट्स को कंपेयर करो टू चेक वेदर दे बोथ बिलोंग टू द सेम नेटवर्क और नॉट। अब इसकी आगे की तीन ऑक्टेट्स क्या है, 192.168.1, और इसकी क्या है, हमने अभी टाइप करा ना एड्रेस 192.168.50.10, ये तो अलग हो गया ना आगे का तीन, इसके आगे के तीन अलग हो गए, इसके आगे के तीन अलग है, इसलिए ये पिंग नहीं कर पाता। सबनेट मास्क के तो तीन ही वेरिएबल है, 255.0.0.0, 255.255.0.0, 255.255.255.0, तीन ही वेरिएबल हैं, लेकिन इसके हिसाब से ये भी क्लास सी का आईपी है, ये भी क्लास सी का आईपी है, लेकिन ये आईपी और ये आईपी दोनों सेम नेटवर्क को बिलोंग कर रहे हैं, ये एक अलग नेटवर्क है क्योंकि देखो इसकी थर्ड ऑक्टेट सेम हो गई, डिफरेंट हो गई। आ रही बात समझ में? इस तरह से आपके आईपी एड्रेस काम कर, मिना समझ आया आपको क्या बोल रही हूं मैं? ओके ग्रेट, सपनदीप सपनदीप, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर सबनेट मास्क वर्क। तो ये सब देखो सेम नेटवर्क पे, सेम पीसी, सेम स्विच पे कनेक्टेड हैं, उसके बावजूद ये तीनों, ये दो और ये बंदा, ये तीन एक नेटवर्क को बिलोंग कर रहे हैं, है ना? कौन कौन? एक ये, सॉरी, ये और ये तीनों एक ही नेटवर्क को बिलोंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके सबनेट मास्क के हिसाब से ये लोगों के आईपी सेम नेटवर्क को बिलोंग कर रहे हैं। ये दोनों सेम नेटवर्क को हैं, ये दोनों सेम नेटवर्क को हैं और ये एक अलग ही नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है। तो देखो हमने कितने सारे नेटवर्क क्रिएट कर दिए उन्हीं स्विचेस के ऊपर, ठीक है। दिस इज हाउ आईपी एड्रेस देते हो, ठीक है।
अब अगर आपको यही आईपी एड्रेस जो हम पीसी पे दे रहे हैं, अगर आपको ये आईपी एड्रेस इस स्विच के ऊपर देना है, आज थोड़ा सा आपको स्विच को कॉन्फिगर करना सिखाती हूँ। अभी तक हम लोग कहाँ दे रहे थे आईपी? हम लोग अभी तक आईपी किसको देते थे? पीसी को देते थे। अगर मुझे इस स्विच को आईपी देना है तो हम कैसे देंगे? लेट्स गिव द आईपी टू द स्विच। किसी को कोई डाउट है? मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी, रिकॉर्डिंग रुकी हुई थी, अभी स्टार्ट करी है मैंने। ठीक है, इस तरह से तरीके बताए मैंने आपको। पहला तरीका, स्विच के ऊपर क्लिक कर दो और सीएलआई में चले जाओ तो कमांड लाइन दिखने लग गया, पर रियल वर्ल्ड में तो हम स्विच पे क्लिक नहीं कर सकते, इसीलिए हम कंसोल केबल लगाते हैं। कंसोल इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ केबल जो कि आपको स्विचेस का, राउटर का कमांड लाइन लेने में हेल्प करती है। फिर से दिखाती हूँ, कंसोल केबल, पीसी का RS232, स्विच का कंसोल पोर्ट, हो गया कनेक्ट। अब अगर मुझे देखना है इसका कमांड लाइन तो कैसे देखूंगी? देखो, पीसी पे जाएंगे, क्लिक, पीसी ओपन हो गया। डेस्कटॉप की एप्लीकेशंस में आपके पास ना एक एप्लीकेशन है टर्मिनल, क्लिक ऑन दैट एंड क्लिक ओके। इसका मतलब हम समझेंगे बाद में, अभी थोड़ा छोटी करके चीजें सीखेंगे। ये देखो, ये आ गया पीसी के ऊपर। देखो यहाँ टॉप पे क्या दिख रहा है, पीसी, और मैं मेरे स्विच के ऊपर आ गई हूँ, इसका टर्मिनल मुझे नजर आ रहा है, स्विच लिखा हुआ दिख रहा है ना। ऐसे दोनों तरीके से कर सकते हैं। पैकेट ट्रेसर में आपके पास चॉइस है, ऐसा क्लिक कर दो, सीएलआई में चले जाओ, ये इसे बंद कर दो, पीसी से कंसोल केबल कनेक्ट करो और फिर पीसी में टर्मिनल में जाके ओके पे क्लिक करो तो भी आपको दिखाई दे जाएगा। हम लोग हमेशा इजी वाला मेथड लेते हैं, स्विच पे क्लिक कर दो, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। अब ये देखो, आपको ये दिखाई दे रहा है कि मैं इस स्विच को देख रही हूँ, ये वाला जो दिख रहा है ना ग्रेटर देन का सिंबल, स्विच की तरफ उसका मुंह खुला हुआ है। जब हम हमें इस तरह का सिंबल नजर आता है तो हमारा जो होता है वो यूजर मोड में होता है, यूजर मोड में। अगर मुझे इसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एल आई एंड सी एम डी? सी एल आई मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, सी एल आई का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। हम जब पीसी का लेते हैं तो वो सी एम डी लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट लेते हैं, सी एम डी मतलब कमांड प्रॉम्प्ट, सी एल आई मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। दोनों के नाम अलग है, पीसी का लेते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट लेते हैं, राउटर स्विच का लेते हैं तो सी एल आई लेते हैं। ठीक है, तो जब हम ग्रेटर देन मोड में हैं, अच्छा आप ये पूछ रहे हो कि यहाँ पे हमको कमांड लाइन इंटरफेस दिख रहा है और जब हम यहाँ जाते हैं तो हमें टर्मिनल इंटरफेस दिखता है, ऐसा यहाँ टर्मिनल दिखता है, इसके बीच में डिफरेंस पूछ रहे हो? ग्रिन, ओके, सी ये जो रहता है ना बेसिकली, जब भी आप पीसी से कनेक्टिविटी लेते हो तो कुछ टर्मिनल लाइंस होती है, अलग अलग तरह की लाइंस पे आप कनेक्टिविटी लेते हो। यहाँ पे जब आप डायरेक्टली क्लिक कर रहे हो तो रियल वर्ल्ड में ऐसा डायरेक्ट क्लिक जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो ये इसका कमांड लाइन इंटरफेस, ये पैकेट ट्रेसर का नाम दिया हुआ है कि आप यहाँ से सी एल आई ओपन कर लो। असल में इस स्क्रीन को रियल वर्ल्ड में टर्मिनल या कंसोल ही बोलते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज टर्मिनल और कंसोल, दो नाम होते हैं, एक फिर एक अलग होता है, टेलनेट लेना वो अलग होता है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो ये कमांड लाइन इंटरफेस जो होता है ना, दिस इज पैकेट ट्रेसर का लैंग्वेज, सी एल आई ले लिया। ठीक है, सो डोंट कंफ्यूज इट विद दैट, ऑल ऑफ देम आर सेम। जब हम टेलनेट के बारे में पढ़ेंगे देन इट विल बी डिफरेंट। अभी हमने कंसोल लिया हुआ है, किसका? स्विच का। चाहे मैं ऐसे ले लूं, ये पीसी के ऊपर जाके टर्मिनल के थ्रू ले लूं, इट्स ऑल द सेम। नाउ
अब मैंने मैंने बोला कि जब आपके पास ग्रेटर देन का सिंबल है तो मैं किसमें हूँ, यूजर मोड में हूँ। तो इस मोड में मेरे पास करने के लिए बहुत कम चीजें होती हैं। सिस्को में स्विच हुआ या राउटर हुआ, उसमें अगर आपको हेल्प चाहिए तो एक क्वेश्चन मार्क लगाओ तो आपको सब पता चल जाता है। ये देखो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया तो देखो बता रहा है कि मैं कौन कौन सी कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, राइट। तो हम अभी फिलहाल कौन से मोड में हैं, वी आर इनटू यूजर मोड। इफ आई वांट टू गो टू अ मोड फ्रॉम वेयर आई कैन यू नो सी थिंग्स ऑल्सो, थोड़ा और ऐसा मोड जहां से मैं कुछ अच्छा कर पाऊं, मेरे स्विच को कॉन्फिगर कर पाऊं, है ना। जैसे इसका नाम स्विच है, मैं इसका स्विच नहीं, मैं इसको नाम देना चाहती हूँ फ्लोर 1 स्विच 1, तो मैं ऐसा देना चाहती हूँ। तो हम कैसे दे सकते हैं, तो देखो हम इस क्या करेंगे, सबसे पहली कमांड स्विच के ऊपर की सिखा रही हूँ आपको। देर इज अ कमांड एनेबल, ENABLE, पूरा लिखने की जरूरत नहीं आपको, आप EN लिख के टैब दबाओगे तो सिस्को उसे ऑटो कंप्लीट कर लेता है। EN टैब एनेबल, एंटर, तो देखो आपका प्रॉम्प्ट चेंज हो गया। अब आपका प्रॉम्प्ट ग्रेटर देन से चेंज होके हैश हो गया। इस मोड को कहते हैं प्रिविलेज मोड। इस मोड को क्या कहते हैं हम, प्रिविलेज मोड। पहले वाले को मोड को क्या कहते थे, यूजर। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाओ, देखो ज्यादा चीजें हैं करने के लिए, कितनी सारी चीजें बढ़ गई ना, पहले कम थी। मुझे बाहर जाना है तो मैं एग्जिट लिखूंगी, वापस मैं यूजर मोड में चली जाऊंगी। देखो एग्जिट कमांड से EN टैब एंड प्रिविलेज मोड में आ गई। प्रिविलेज मोड से बाहर जाना है तो एग्जिट, बाहर निकल गए, वापस अंदर चलते हैं। अब मुझे क्या करना है ना, इसका नाम चेंज करना है स्विच का। कैसे चेंज करूंगी इसका नाम, कॉन्फिगर कर स्विच को, तो मुझे इसमें एक कमांड इश्यू करनी पड़ती है। एनेबल कमांड के बाद आई हैव टू इश्यू अ कमांड कॉन्फिगर टर्मिनल, पूरे लिख दो या फिर लिखो कॉन्फ टैब टी टैब, तो ऑटो कंप्लीट भी कर लेता है, ठीक है। तो कॉन्फिगर टर्मिनल एनेबल किया, एनेबल करने के बाद कॉन्फिगर टर्मिनल एंटर करा तो देखो इसका प्रॉम्प्ट और चेंज हो गया। अब देखो मैं स्विच के कौन से मोड में हूँ, कॉन्फिग मोड में, ओके। नाउ इफ आई वांट टू चेंज द होस्ट नेम, द कमांड इज, मुझे इस स्विच का नाम चेंज करना है, द कमांड इज होस्ट नेम स्पेस, क्या नाम देना है, मेरे को नाम देना था फ्लोर 1, फ्लोर 1 -switch1, ऐसा नाम देना है। देखो होस्ट नेम स्पेस और जो भी नाम देना है वो दे दिया और एंटर प्रेस कर दिया। देखो ये नाम चेंज हो गया। ठीक है, अगर ये कमांड आप बाहर चलाने की कोशिश करोगे, मैं एग्जिट करती हूँ, मैं कहाँ पे हूँ अभी, प्रिविलेज मोड में, मैं यहाँ पे होस्ट नेम कमांड चलाने की कोशिश करूँ, होस्ट नेम निशा, स्विच का नाम निशा देना चाहती हूँ मैं, मना कर देगा, इनवैलिड इनपुट, जो कमांड जहां की है वहीं चलेगी, ठीक है। अब ये कमांड कहाँ की है, कॉन्फिग मोड के अंदर जाके चलाने की कमांड है, तो मैं अगर इसे यहाँ प्रिविलेज मोड में चलाऊंगी तो ये कमांड यहाँ नहीं चलेगी। पहले कॉन्फ टैब टी टैब कॉन्फ़िगर टर्मिनल के कॉन्फ़िगर मोड में आओ, फिर बोलो एचओ लिख के टैब दबाओगे तो होस्ट नेम अपने आप आ जाता है। देखो पूरा क्या नाम देना है आपको, जिसको नाम निशा करना है तो अब निशा लिख दो, एंटर, देखो निशा चेंज हो गया। होस्ट नेम दिस इज द मोर रेलेवेंट नेम स्विच 1, कौन सी कंपनी का स्विच है ये, मैंने बोला आई ट्रेन यू का फ्लोर 1 का स्विच 1 का, उसमें भी कहाँ का, मेरे भवर कुआं ऑफिस का, ऐसे जनरली नाम दिए जाते हैं कंपनीज में, आई
आई ट्रेन यू के इन आईडीआर भवर कुआं फ्लोर वन स्विच वन, ऐसा नाम देते हैं पता डिवाइसेस को, ऐसे मीनिंगफुल नाम दिया जाता है, फ्लोर वन स्विच वन, तो नाम देखते ही पता चल जाए कि कहाँ का स्विच है। एग्जिट करती हूँ, अब मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो कर दी, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन मुझे सेव भी करनी पड़ेगी। इन डिवाइसेस में क्या रहता है ना, एक छोटी सी मेमोरी होती है, जनरली कैसा रहता है अपने लैपटॉप में भी किस तरह की मेमोरी रहती है, एक होती है रैम, एक होती है रोम और एक होती है आपकी हार्ड डिस्क, राइट। आप राउटर में भी और स्विच में भी ये मेमोरीज होती हैं। जो आप कॉन्फिगर कर रहे हो ना, ये जो मैंने नाम चेंज किया, ठीक है, और भी अगर मैं स्विच के ऊपर कुछ करूं, तो ये सारा कहाँ स्टोर हो रहा है, रैम के अंदर स्टोर हो रहा है। ये जो कॉन्फिगरेशन मैं कर रही हूँ ना, इसको बोलते हैं रनिंग कॉन्फिगरेशन, मतलब मेरे स्विच का कॉन्फिगरेशन है ये। मेरा स्विच एट दिस पॉइंट रीलोड हो जाए, तो मेरा नाम सेव नहीं किया हुआ है, अगर मुझे इसको सेव करना है तो इसके अंदर एक ना फ्लैश मेमोरी होती है, फ्लैश मेमोरी मतलब परमानेंट स्टोरेज, मुझे उसके अंदर ये वाली रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करना पड़ता है। जब मैं मेरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को फ्लैश में शिफ्ट करती हूँ, तब उसका नाम चेंज करके क्या हो जाता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जब मेरा स्विच स्टार्ट होगा तो जिस कॉन्फ़िगरेशन के साथ स्टार्ट होगा वो आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो कहाँ चली जाती है, फ्लैश में स्टोर होती है। जो मैं ये अभी चेंजेस कर रही हूँ ना, ये सब कहाँ है, रैम, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी विच इज वॉलेटाइल इन नेचर, स्विच बंद मेमोरी पूरी मिट जाएगी। देखो अभी अगर मैं इस सिचुएशन में स्विच को रीलोड कर दूं, कैसे कर सकते हैं हम लोग रीलोड, करके दिखाती हूँ आपको, दो तरीके होते हैं रीलोड करने के, कमांड के थ्रू चलो सिखाती हूँ आपको, कमांड से कैसे रीलोड करना है आपको। एग्जिट करो, कॉन्फिग मोड से बाहर आओ, यहाँ आके लिखो रीलोड, एंटर। तो बोल रहा है कि डू यू वॉन्ट टू सेव द कॉन्फिगरेशन डू यू हैव डन। अगर मैंने यहाँ नो बोल दिया तो मैंने कॉन्फिगरेशन सेव नहीं करी, मेरी कॉन्फिगरेशन किस में थी, रैम में थी, मैंने उसको फ्लैश में शिफ्ट ही नहीं करा, तो अब मेरी स्टार्टअप कॉन्फिगरेशन में मैंने जो नाम सेट किया था वो नहीं है। तो देखो जब मेरा स्विच रीलोड होगा ना, तो वो पुराने नाम के साथ ही रीलोड हो जाएगा। मिट गया नाम, तो अगर मुझे करना है कॉन्फ़िगरेशन को तो कैसे करेंगे, पहले आप वापस से होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं ना। सबसे पहले मैं एनेबल करूंगी, एनेबल करने के बाद हम इसको कॉन्फ़िग टी करते हैं, कॉन्फ़िग टी मतलब कॉन्फ़िगर टर्मिनल, पूरा नहीं भी लिखूं तो चल जाएगा। देखो कॉन्फ स्पेस टी, याद रह गया ना अगर आपको कि कमांड क्या है, तो आधी कमांड लिखोगे तो भी सिस्को में चल जाता है, इतना इंटेलिजेंट है सिस्को का टर्मिनल। कॉन्फ लिख के टैब दबा दो, टी लिख के टैब दबा दो तो पूरी कंप्लीट कर जाएगी, या फिर आप देखो सिर्फ कॉन्फ टी लिख के एंटर दबा दो तो भी वो समझ जाता है, कैसे भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी, ठीक है। एनेबल की कॉन्फिग का टर्मिनल किया, उसके बाद मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर देती हूँ। होस्ट नेम क्या करना है मुझे, आई ट्रेन यू का इंदौर ऑफिस का भवरकुआं ब्रांच का स्विच वन है ये, एंटर। अब मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है उसमें मेरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को पेस्ट करना पड़ेगा, जो भी फिलहाल में मेरी स्टार्टअप की कॉन्फ़िगरेशन है, अभी खाली पड़ी हुई है मेरी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, उसमें जो मेरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है मैं उसे पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, कॉन्फ़िग मोड में नहीं होता ये काम, ये बाहर निकल के होता है, एग्जिट करो, प्रिविलेज मोड में होता है। मैं बोलती हूँ कॉपी करो, कहाँ पे कॉपी फ्रॉम, देखो ये बोल रहा है कहाँ से कॉपी कर, मैंने बोला कॉपी फ्रॉम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में लिखा हुआ है, कहता तो उसको कहाँ कॉपी कर दूं, मैंने कहा उसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में कॉपी कर दूं। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ कॉपी करके मैंने क्वेश्चन मार्क दबाया, तो वो मुझे बोल रहा है कि आप कॉपी कहाँ से कॉपी करना चाहते, फ्रॉम,
मैंने बोला मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से RUN लिख के मैंने टैब दबाया, तो देखो उसने पूरा कंप्लीट कर लिया रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। फिर मैंने वापस क्वेश्चन मार्क लगा के देखा, कहते कॉपी टू किधर कॉपी करना चाहते हो, मैंने कहा स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में कॉपी कर दो। ठीक है कर दिया, अब अगर मैं स्विच को रिलोड करूंगी ना देखना मेरा नाम नहीं जाएगा, रिलोड। तो दिस इज हाउ आई कैन सेव, ये एक तरीका है सेव करने का, और बहुत सारे तरीके हैं। एक इजी तरीका भी बताऊंगी आपको, ये देखो सेव हो गया नाम, रिलोड हुआ तो मेरा नाम नहीं चेंज हुआ, ITU इंदौर भवरकुआ स्विच वन। फिर से एक और तरीका सिखाती हूँ सेव करने का, एनेबल करो, कॉन्फिगर टर्मिनल करो, अब से नाम चेंज कर देती हूँ मैं, होस्ट नेम इसको CCNA नाम दे देते हैं, सेव करना है मुझे। कैसे सेव करेंगे, सेव करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, कॉन्फिग मोड में नहीं होता है सेव, प्रिविलेज मोड में होता है। सो द कमांड इज WR MEM, ME लिखोगे तो भी हो जाएगा, राइट मेमोरी, एंटर दबा दो, देखो वही सेम आया बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ओके। तो आप राइट मेमोरी लिखो या सिर्फ WR लिख के एंटर दबा दो तो भी सेव हो जाता है। तो आपका ये दो तरीके हैं सेव करने के, एक कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे भी सेव कर सकते हो, या फिर आप WR लिख दो तो राइट मेमोरी कमांड इशू हो जाती है, वैसे भी सेव कर सकते हो। दोनों तरीके हैं आपके पास सेव करने के लिए, आप जो आपने दिया वो सेव हो गया। तो क्या करो, मेक इट अ हैबिट, जैसे कॉन्फ्टी मैं वापस होस्ट नेम, अब और कुछ नाम दे देती हूँ, अब मैं पूरा आई ट्रेन यू स्विच वन ऐसा नाम दे देती हूँ, मुझे इसको सेव करना है, एग्जिट WR लिख बस राइट एंटर, देखो सेव हो गया, रिलोड करूं, रिलोड स्विच वन नाम आएगा जो मैंने लास्ट में सेट किया ना वही नाम आएगा, तो WR कमांड से भी सेव हो जाता है, आ गया ना। तो हमने कौन कौन सी कमांड देखी अभी, हम लोगों ने एक कमांड देखी करती है फ्रॉम यूजर मोड टू प्रिविलेज मोड। अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जब अगर आप लोग हमारे साथ ओरिजिनल कोर्स ज्वाइन करोगे तो उस समय मैं आपको एक एप्लीकेशन का एक्सेस दूंगी, जिस एप्लीकेशन में आपको बुक्स मिलेंगी CCNA की बुक्स मिलेंगी, उन बुक्स में ये सारी कमांड्स लिखी हुई है ऑलरेडी, तो आपको साथ साथ नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको ना ऑनलाइन बुक्स प्रोवाइड होती है, जब आप हमारे कोर्स ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट ऑनलाइन बुक्स फॉर CCNA, तो उन बुक्स के थ्रू आप रेफर करके पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप चाहो तो साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो और वो बुक्स भी आपके पास रहेंगी, जो भी पूरी टोपोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगी, जो कमांड्स में एग्जीक्यूट करूंगी सब दिखाई देंगी उसमें। फिर हमने क्या कमांड पढ़ी, कॉन्फिगर टर्मिनल। ठीक है, तो पहले मेरा स्विच कैसा दिख रहा था, स्विच वन ऐसा दिख रहा था, है ना, जैसे ही मैंने एनेबल कमांड एग्जीक्यूट करी तो मेरा ये स्विच वन हैश हो गया। फिर उसके बाद मैं कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करूंगी, कॉन्फिगर टर्मिनल, तो मेरा स्विच वन का प्रॉम्प्ट कैसा चेंज हो गया था, कॉन्फिग ऐसा हो गया था। फिर मैंने यहाँ पे कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करी, होस्ट नेम, क्या नाम दिया मैंने, मैंने उसे नाम दिया आई ट्रेन यू स्विच वन, एंटर प्रेस करते ही क्या हो गया था, यहाँ पे ये जो ऐसा था मेरा प्रॉम्प्ट, वो मेरा प्रॉम्प्ट चेंज होके कैसा हो गया था, स्विच वन की जगह क्या लिखा हुआ आ गया, आई ट्रेन यू स्विच वन लिखा गया, होस्ट नेम चेंज हो गया था। फिर मुझे सेव करना था तो मैंने क्या किया, एग्जिट लिखा, एग्जिट करते ही मेरा प्रॉम्प्ट कैसा हो गया, ऐसा हो गया, और मैंने वहां पे क्या लिखा, WR लिख के
एंटर दबाया, मैं डब्ल्यू आर मतलब राइट मेमोरी भी लिख सकती हूँ या फिर मैं कंट्रोल वी। दूसरी कमांड भी मैंने आपको सिखाई, वो क्या सिखाई, कॉपी रनिंग कॉन्फिग टू स्टार्टअप कॉन्फिग, ये कमांड भी चला सकते हो, दोनों कमांड्स चल जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एनेबल की कमांड जब आप चलाते हो, यहाँ पे आप लिखोगे ई एन ए बी एल ई, ये क्या करती है, आपको मूव कर देती है यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में, और आपका प्रॉम्प्ट कैसा हो जाता है, ऐसा कॉन्फिग टी लिखने से ऐसा, ये पूरा आपका यहाँ पे है। इस तरह से आप स्विच के ऊपर उसका नाम चेंज कर सकते हो और उसकी कॉन्फिगरेशन सेव कर सकते हो। अंडरस्टूड? दो चीजें सीखी हमने स्विच के ऊपर, नाम चेंज करना और कॉन्फिगरेशन सेव करना, दिस इज द कमांड्स दैट वी एग्जीक्यूटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हम एक और चीज सीखेंगे। मैंने क्या बोला था आपको कि जैसे मैंने पीसी को आईपी दिया, लैपटॉप को आईपी दिया, सर्वर को आईपी दिया, ऐसे अगर मुझे स्विच को आईपी देना हो, पिंग करना है, मैं इसको भी पिंग करना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा पीसी स्विच तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा, मुझे स्विच को भी पिंग करना है तो मुझे स्विच को भी एक नाम देना पड़ेगा। नाम मतलब आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस स्विच के ऊपर कैसे देते हैं, सो इट गोज लाइक दिस। देखो हम स्विच के ऊपर चलते हैं, एनेबल कॉन्फ़िगरेशन देखता हूँ आपको क्या है। द कमांड गोज लाइक दिस, शो आर यू एन, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये वाले मोड में, हाँ प्रिविलेज मोड में, एंटर प्रेस करो, देखो पूरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। अभी ज्यादा कुछ नहीं है कॉन्फ़िगरेशन में, सारे पोर्ट्स खाली है मेरे, कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करा। यहाँ पे देखो एक इंटरफेस है, इंटरफेस VLAN 1, ये शटडाउन है, इसी के ऊपर मैं आईपी दूंगी, देखना अभी आपको देके दिखाऊंगी। ऐसे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, क्या कमांड चलाई हम लोगों ने, ये दोनों, ये वाली जो ये वाली कमांड थी, ये वाली किसके लिए थी, टू सेव, ये वाली कमांड भी किसके लिए थी, टू सेव। अगर मुझे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो हमने क्या कमांड देखी, शो कॉन्फ़िग, ये किसके लिए थी, टू शो द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्विच, ऐसे देख सकते हैं हम लोग रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। कमांड सिर्फ यहाँ तक है, ये जो हाइफ़न के बाद में लिख रही हूँ ये सब मैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए लिख रही हूँ। मैं वरप्रीत को दे दूंगी तो वो आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ये सारी कमांड्स डाल देगी, सो दैट आप लोगों को ये इजी हो जाए देखने के लिए, टू शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्विच। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, कमांड यहीं तक है, ध्यान रखना आप लोग, ये सिर्फ आपके डिस्क्रिप्शन डाली है मैंने। अब मुझे ऐसे जैसे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखी ना, ऐसे में स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकती हूँ, कैसे, शो स्पेस स्टार्टअप, दैट्स इट, इससे मुझे क्या दिखाई देगा, आई विल बी एबल टू सी द स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्विच। जैसे ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखने का है, ऐसे मुझे स्टार्टअप मतलब मुझे देखना है कि मैंने सेव किया है कि नहीं किया है, जो लेटेस्ट चेंजेस है वो सेव्ड है कि नहीं है, तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग देख लो कि स्विच जब रीलोड होगा तो कौन सी कमांड में रीलोड होगा, सो इन दैट वे यू कैन सी, ठीक है, सो दिस इज अनदर कमांड। अब अगर मुझे आईपी देना हो तो कैसे देंगे आईपी, चलो अपनी लैब पे चलते हैं वापस, कौन से स्विच को आईपी देना है, इस वाले स्विच को, जाती हूँ इस स्विच के ऊपर, स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेती हूँ, कॉन्फ़िगर करना है ना स्विच को, इसलिए कॉन्फ़िग तो करना ही पड़ेगा, कॉन्फ़िग टर्मिनल। अब मुझे इसको आईपी देना है, एक ये देखो, ये मैंने बोला ना इंटरफेस VLAN 1, इसके ऊपर हम आईपी देंगे, कैसे देंगे, मुझे पहले इंटरफेस VLAN 1 के अंदर जाना पड़ेगा, कैसे जाऊंगी इंटरफेस VLAN 1 के अंदर, मैं लिखूंगी इंटरफेस VLAN 1, उसके अंदर चले गए, देखो आई एफ हो गया, ये इंटरफेस हो गया,
मैं यहाँ पे इसको आईपी एड्रेस दे दूंगी, आईपी एड्रेस क्या दे दें, 10.0.0.4 55.0.0.0, ये आईपी एड्रेस देने का तरीका है। आईपी स्पेस पूरा भी लिख सकते हो एड्रेस, मैंने ADD लिखा ना, आप पूरा भी लिख सकते हो एड्रेस। क्या आईपी देना है, कुछ भी, हमने जो चार नेटवर्क हमारी लैब में यूज करे उनमें से कोई से का भी नेटवर्क आप यहाँ पे दे दो, जिसका दोगे वही पिंग कर पाएगा। 10.0.0.4 स्पेस सबनेट मास्क लिखना है, नहीं समझ में मार्क लगा के देख लो, बोलता है सबनेट मास्क लिख दो, देखो बोल रहा है ना स्क्रीन के ऊपर कि सबनेट मास्क बताओ। क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, 255.0.0.0, एंटर। एंड ये स्विच ऑफ है, ये वाला पोर्ट, इसको स्विच ऑन, नो शटडाउन, एंटर। देखो ये अप आ गया, पोर्ट अप हो गया VLAN का। तो अब मेरा स्विच वन के ऊपर एक आईपी आ गया, इसके ऊपर कौन से नेटवर्क का है, इनके नेटवर्क का है, तो ये लोग पिंग कर पाएंगे, इनके खुद के नेटवर्क का है ना, तो ये लोग पिंग कर पाएंगे। देखो पिंग 4, 10.0.0.4 होता है क्योंकि ये ARP चलती है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। पहली बार जब पिंग कर, I cannot hear your voice. Yeah, yeah. I was at my home on hotspot. So now you'll. Okay. So we'll be. Time bhi ho gaya hai. So. Logon ne switch ke upar executed was in my switch. Ma'am, I think your voice was breaking. Yeah, voice breaking. So now I think my voice will be again clear without any issues. We will be able to continue, but I am not going to teach any further. Yeah, I am not going to teach any further. Light is back, so the issue is resolved. So, but I will just wind up where we were supposed to stop today. That was the last only of the session. We went to configure terminal, and then by writing this command, the prompt changed to this way, config t, and then I went to
space VLAN 1. My prompt changed to config IF. And there I gave IP space address, IP 10.0.0.4. Subnet mask I have to give 255.0.0.0. And then I executed the command no shutdown so that my port of VLAN 1 comes up. No shutdown. This is the command I executed. After this, my port came up and I was able to ping the switch. Okay, तो ये आज इतने ही कमांड्स हम लोग रन करेंगे. We'll be winding up here. आप लोगों को कुछ डाउट पूछ सकते हो. मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ.